बॉलीवुड की तरफ से इस साल हमें कई एक्शन मूवी देखने को मिलने वाली हैं और इस साल पठान मूवी के साथ यशराज फिल्म का स्पाई यूनिवर्स शुरू हो चुका है। इस यूनिवर्स में हमें आने वाले समय में और भी कई बड़ी एक्शन मूवी देखने को मिलने वाली हैं और इन्हीं में से एक मूवी का नाम है वार 2। 2019 में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वार मूवी का ये सीक्वल होने वाली है, लेकिन इस बार फिल्म में हमें और भी बड़ी स्टार कास्ट देखने को मिलेगी। मेकर्स की तरफ से तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी गई है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। फिल्म में हमें साउथ के कई बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं और आपको बता दें कि लीड रोल में हमें ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे और ऋतिक रोशन के साथ शाहरुख खान, सलमान खान का कैमियो भी देखने को मिलने वाला है, लेकिन इस सभी के साथ फिल्म में जूनियर NTR भी लीड रोल में देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी तो साफ नहीं हो पाया है कि फिल्म में जूनियर NTR का रोल क्या होने वाला है, लेकिन सुनने को मिल रहा है कि जूनियर NTR विलेन के रोल में देखने को मिलेंगे और फिल्म में खतरनाक एक्शन भी देखने को मिलने वाला है। वही बात करें हीरोइन की तो फिल्म में हीरोइन के रोल में बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस कियारा आडवाणी देखने को मिलेंगी। वही बात करें डायरेक्टर की तो इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। अयान मुखर्जी की पिछली मूवी ब्रह्मास्त्र सुपरहिट रही, उसी को देखते हुए अयान मुखर्जी को इस फिल्म के डायरेक्टर के तौर पर फाइनल किया गया है। अब देखना यह होगा कि अयान मुखर्जी इस फिल्म में किस तरह का एक्शन लेकर आने वाले हैं। वही बात करें फिल्म की रिलीज डेट की तो अभी ऋतिक रोशन अपनी फाइटर मूवी की शूटिंग में लगे हुए हैं जो इस साल के आखिर तक कंप्लीट कर ली जाएगी, जिसके तुरंत ही बाद ऋतिक रोशन वार 2 के ऊपर काम शुरू करेंगे जो 2024 के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद खबरें आ रही कि 2025 में 26 जनवरी के मौके पर फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।